वेलकम स्टूडेंट आई होप लास्ट वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल स्टडी द पोइम फायर एंड आइस हियर फायर डज नॉट मीन आग एंड आइस डज नॉट मीन बर्फ सो फायर मीन्स डिज़ायर वांट पैशन या हिंदी में से बोलते हैं इच्छा and ice means hatred hate, despise, uh, despair, means nafrat so it is uh, its poem by uh, Robert Frost. In this poem, the poet uh, talks about the destruction uh, of the world, uh, विश्व की जब uh, समाप्ति होगी, end होगा वर्ल्ड का, तो वो कैसे होगा? इस पर बात करते हैं। Let's see poet क्या बताते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस तो पॉइंट कहते हैं ओपनिंग लाइंस में यहाँ पर वो लोगों की ओपिनियन के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मत है मानना है ओपिनियन है कि इस वर्ड का एंड खात्मा फायर के कारण होगा इच्छाओं के कारण होगा जिनके कारण हम आपस में अपनी पूर्तियाँ करते हैं इच्छाओं के कारण कई पूर्तियाँ में लगे रहते हैं उन पूर्तियों को करने के कारण हमारे विश्व का खात्मा होगा सम से और कुछ दूसरे लोगों का ऐसा मानना है कि जो नफरत है आइस है है उसके कारण विश्व का खात्मा होगा फ्रॉम वट आई होल्ड विद दो आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर लेकिन जैसा मेरा अनुभव है जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं यह कह सकता हूँ कि इस विश्व का खात्मा फायर से होगा और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर के कारण होगा या इच्छाओं के कारण होगा बट इफ इट है टू पैरिस ट्वाइस पैरिस एक वर्ड आया है मीन्स डाई नष्ट होना खत्म होना ट्वाइस दो बार आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट लेकिन यदि इस संसार का दो बार विनाश होना है खत्म होनी है तो इसके लिए हेट पर्याप्त है इस विनाश को करने के लिए नफरत काफी होगी ऐसा मेरा मानना है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज सफाइज इनफ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि नफरत भी उतने ही शक्तिशाली है विश्व को खत्म करने के लिए जितनी फायर है तो इसलिए आइस भी इसके लिए नष्ट करने के लिए विश्व को पर्याप्त होगी तो यह इस पोइम का मीनिंग है अब हम इस पोइम में कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं पहली लिटरेरी डिवाइस है वो है राइमिंग स्कीम अब राइमिंग स्कीम आप जानते हैं क्या होती है जब किसी लाइन का अंत एंड में सेम साउंड रिपीट होते हैं तो वो मान लें कि इसको हम ए बी सी डी से डिनोट करते हैं तो जैसे आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं फायर थर्ड में देख रहे हैं डिजायर और फिर फोर्थ uh, में देख रहे हैं फायर ये तीनों वर्ड सेम साउंड के हैं फायर डिजायर फायर तो इसको हम ए मान लें ए से डिनोट करते हैं और सेकेंड लाइन में आइज दिखा रहे हैं फिफ्थ लाइन में ट्वाइस है दोनों सिमिलर हैं इसलिए इसको हम बी बी से डिनोट करते हैं नेक्स्ट लाइन में हेट आया है तो हेट एक अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको हम सी से डिनोट करते हैं फिर नेक्स्ट में आइस आया है जो इक्वल है फायर और डिजायर के इसलिए इसको सॉरी आइस और ट्वाइस इसलिए हम इसको बी से डिनोट करते हैं एंड नेक्स्ट ग्रेट हेट के इक्वल है सी और लास्ट में है सफाइस और आइस इक्वल है तो इसलिए इसको हम बी से डिनोट करते हैं तो आपकी जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी ए ए बी सी बी सी बी तो ये पहले लिटरेरी डिवाइस इसमें होगी अब हम एक और लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एनाफोरा एनाफोरा क्या होता है जब दो लाइंस में आई मीन सेम कंजिकव लाइंस में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं यूज uh, हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखिए सम से सम से तो इसे हम कहते हैं एनाफोरा तो दूसरी लिटरेरी डिवाइस होगी यहाँ पर एनाफोरा नेक्स्ट uh, जो डिवाइस है वो है एलिट्रेशन नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स यानी साउंड जब हम हमारे वर्ड्स में रिपीट होता है मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दू सम और फिर फोर्थ लाइन में देखिये फेवर फायर एफ फेवर फ एंड फायर एफ फ तो वहां पर भी फ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं एक लास्ट और यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट क्या होता है एंजॉयमेंट मींस कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स आप देखेंगे कि कोई भी पंक्चुएशन यहाँ पर uh, नहीं लगाया गया है आप देखो सम से द वर्ड विल एंड इन फायर से लेकर के फोर्थ लाइन तक आप देखेंगे बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लिखी हुई है और नेक्स्ट जो फाइव लाइंस हैं वो भी एक कंटिन्यूएशन में लिखी है उसके बाद एक पंचुएशन यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एंजामेंट तो इस तरीके से यह पोइम कंप्लीट हुई और मुझे होप है कि आप लोगों को यह पसंद आई होगी तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ